डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज चर्चा करेंगे इस्लामिक एंड ट्रेडिशंसिट ट्रेडिशंस पिछले वीडियो में मैंने कोशिश की थी आपको एक्सप्लेन करने की ब्राह्मणिकल वर्सेज श्रामनिक ट्रेडिशन और आज हम देखेंगे जो थर्ड एंड फोर्थ जो ट्रेडिशन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में है इस्लामिक एंड सिंक्रेटिक और ये लास्ट वीडियो होगा फिफ्थ सेमेस्टर का क्योंकि ये इसके साथ ही सभी थीम्स मैं कवर कर रहा हूं और जैसा मैंने आपको कहा कि मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूं एक कंप्रिहेंसिव एग्जाम गाइड का जिसमें कि सभी वीडियोस के पीडीएफ मैं दूंगा उसके अलावा मेन थीम्स और फिर जो है क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे जिससे कि आप बेस्ट जो है आंसर एग्जामिनेशन में लिख सके ये मेरी एक चेरिस डिजायर है उसको हम ऑनलाइन पब्लिश करने की हम लोग कोशिश करेंगे सो लेट अस बिगिन इस्लामिक एंड सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस सबसे पहले यदि हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन को देखें तीन क्वेश्चन मैंने लिए हैं डीयू से अन्य यूनिवर्सिटीज में भी सिमिलर क्वेश्चन आते होंगे

स्ट्रेट फॉरवर्ड है एक इस्लामिक ट्रेडिशंस पे है दूसरा सिंक्रिटिज्म पे है तो ये वीडियो इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करता है आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इस्लाम इंडिया में आने से पहले उसका स्वरूप कैसा था इसके साथ ही कैसे उसका उदय हुआ हमें पता है कि इस्लाम जो ऑर्गेनाइज्ड मेजर रिलीजन धर्म है दुनिया में उसमें सबसे नया है जो कि लगभग 612 में अरेबिया जो सेंट्रल अरेबियन लैंड है जहां अभी सऊदी अरेबिया है मक्का मदीना है वहां पे आते हैं प्रॉफिट मोहम्मद जो कि रसूल माने जाते हैं दूत पैगंबर माने जाते हैं सुप्रीम गॉड खुदा अल्लाह के और वो एक सीरीज ऑफ जो प्रॉफिट्स होते हैं जैसे कि तीर्थंकर थे सीरीज ऑफ तीर्थंकर जैन में उसी तरह से एक लास्ट एंड मोस्ट वर्चुअस ऑफ द सीरीज ऑफ प्रॉफिट्स माने जाते हैं इस्लाम सिंस वाज़ ए विगरस बिलीविंग इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड दैट इज ऑल आर सन ऑफ वन गॉड तो उनका कम्युनिटी उमा कहलाता था कि सन ऑफ ऑल वन गॉड तो सभी भाई हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड यहां पे यह समझने की जरूरत है कि विगरस का मतलब क्या है शुरू से ही इस्लाम इस थॉट के साथ में उदय हुआ कि ट्रू फेथ जो है दुनिया में वो इस्लाम है और उसको फैलाना जो है वो उनका धर्म है ड्यूटी है मोरल ऑब्लिगेशन है और उसके लिए वो होली वॉर भी करने को तैयार है जिसको वो जिहाद कहते हैं लेकिन इसमें अच्छी बात एक और है कि रेडिकल इगैलीटेरियनिज्म है क्योंकि सभी अल्लाह के संतान हैं तो कोई ऊंच नीच नहीं है वैसे बाद में हम देखेंगे कि ये इंडिया में आके काफी बदल गया यहां भी हिरार की हिंदू कास्ट सिस्टम जैसा हो गया इट वाज प्रो चेंज एंड बिलीव्ड इन इस्लाम एज ट्रू फेथ एंड होली वॉर मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इस्लाम में शुरू से ही एक द्वंद रहा है कि जो तीन रियल्म है, तीन जो अलग सेपरेट डोमेन है दुनिया है एक कम्युनिटी समाज की और दूसरा स्पिरिचुअलिटी इस इसमें धर्म भी आ जाता है आदमी जो अपने भगवान से जुड़ता है ट्रांसडेंटल यूनिफिकेशन जो दूसरी दुनिया से स्पिरिचुअलिटी एंड पॉलिटिक्स जो कि दुनियादारी है स्टेट क्राफ्ट है राज का चलाना है गवर्नेंस है तो कम्युनिटी स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स का जो रियलम है जो डोमेन है वो शुरू से इस्लाम में एक रहा है मर्ज रहा है जैसे आप देखें कि प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में वो स्पिरिचुअल लीडर भी थे कम्युनिटी के भी लीडर थे और उनमें राजा की तरह भी उसी में थी तो तो तीनों एक था ये तो शुरू में तो अच्छा चला जबकि बहुत स्मॉल कम्युनिटी जो है इस्लाम को अपनाई लेकिन जैसे जैसे वो फैलता गया दूसरे दूसरे कल्चर्स में रीजन्स में दुनिया के अनेक भागों में जहां पे कि अलग अलग ट्राइब जो अपने कल्चर प्री इस्लामिक को कैरी करके आए तब ये द्वंद्व जो है बहुत ज्यादा हो गया और जब वो इंडिया जैसे लैंड में आए जहाँ की प्रजा जो है वो नॉन मुस्लिम है और राजा मुस्लिम तब तो इस तीनों कम्युनिटी को एक बनाए रखने का कोई औचित्य ही नहीं रहा और ये कैसे अलग किया जाए पर्टिकुलरली लास्ट दो रियल मतलब स्पिरिचुअलिटी एंड टेम्पोरल सॉफरिनिटी ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा मुस्लिम रूल का इंडिया और ऐसे जगहों पर प्रॉफिट मोहम्मद ने कोई अपना वारिस छोड़ा नहीं उस पर भी झगड़ा हुआ दो पार्ट में बट गए सिया और सुन्नी इस बेसिस पे कि कौन उनका असली उत्तराधिकारी है उसके बाद जो है खलीफा का इंस्टीट्यूशन शुरू होता है फर्स्ट फोर खलीफा जो होते हैं पहले अबू बकर होते हैं वो बहुत संत जैसे रहते हैं फकीर जैसे रहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड को मानते हैं वो राजा ऐसे नहीं रहते हैं वो कुटिया में जैसे सबके गरीबों के जैसा वो रहते हैं स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे लेकिन बाद में जो है वो डायनेस्टी में बदल जाती है उमायूद डायनेस्टी और फिर वो किसी भी तरह मुगल डायनेस्टी जैसे ही होते हैं राजा की तरह वो बिहेव करने लगते हैं लेकिन अभी भी जो है वो स्पिरिचुअलिटी और सोवरिनिटी जो है खलीफा में दोनों ही निहित होती है लेकिन ये सब बदल जाता है जब सल्तनत का प्रादुर्भाव होता है जब सल्तनत उभर के आता है ये जो सुल्तान कौन थे बेसिकली जो ईरान के खुरासान में फर्स्ट टाइम सल्तनत जैसी चीज आती है जो कि खलीफा को अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे लेकिन वो टेम्पोरल सॉवरिटी को अपने में वेस्टेड मानते थे तो वो किंग थे जो कि खलीफा के रीजेंट के तौर पे शासन करने लगे मुस्लिम वर्ल्ड में इसको सुल्तान कहलाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे स्पिरिचुअलिटी और जो टेम्पोरल सॉवरिटी है उसका द्वंद कैसे शुरू हो गया होगा और कम्युनिटी तो डाइवर्स हो ही चुका था बाई लेट ट्वेल्व सेंचुरी वैन मोहम्मद गोरी जो कि घोर से आते थे अफगानिस्तान में एक जगह है उसके पहले गजनवीद एम्पायर था वहीं पे घोर था वैन मोहम्मद घोरी फाउंडेड द मुस्लिम रूल इन इंडिया जिसको स्लेव या दिल्ली सल्तनत भी बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सुल्तान और सल्तनत वॉज ऑलमोस्ट सेपरेटेड एंड सोवरेन ऑफ खलीफा बिल्कुल समझिए खलीफा को वो लोग एक तरह का पेंशन होल्डर मानते थे कि चलो तुम अपने कोने में पड़े हुए हो उसी तरह से जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सत्रह के बाद भारत पे शासन करती थी मुगल के रीजेंट के तौर पे लेकिन कहने को मुगल क्या थे वो सिमटे हुए थे उसी तरह खलीफा क्या थे वो सिमटे हुए थे स्पिरिचुअल लीडर जिसके की, सुल्तान कोई परवाह नहीं कर रहा कुछ सुल्तान तो अपने में खिलाफत को भी वेस्ट करने की कोशिश करने लगे थे सो so, सुल्तान रूल्ड एज टेम्पोरल सॉवरन विथ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप होल्डिंग एंड एक्सपेंडिंग द ट्रू फेथ दैट इज इस्लाम एंड द डिग्निटी ऑफ शरिया इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ प्रॉब्लम यहाँ पे यह आप ये आई लास्ट सेंटेंस से आप देखिएिटी दी गई थी क्योंकि आप इस्लाम के सुल्तान हो तो आपको जो ट्रू फेथ है इस्लाम को उसको किसी भी तरह से उसको मेंटेन करना है फैलाना है जहां भी आप शासन करते हो और जो शरिया जो कि उनका इस्लामिक लॉ है कुरान के अनुसार उसको हर वॉक ऑफ लाइफ में आपको इंप्लीमेंट करना आप समझ सकते हैं कि ये कैसे संभव होगा इंडिया जैसे लैंड में जहां की मेजोरिटी ऑफ द प्रजा नॉन मुस्लिम है इसलिए ये जो द्वंद है आगे चल के ऐसा हो गया अकबर के टाइम में कि इसको राजा जो है मानने से बिल्कुल इंकार कर दिया सोशल हार्मनी एंड रिलीजियस टॉलरेंस को उन्होंने फॉलो किया सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल इस्लाम बिफोर इट केम टू इंडिया अब इस स्लाइड में हम देखेंगे ऑफ कोर्स पिछला स्लाइड बहुत डिटेल हो गया काफी चीजें मैंने वो कह दी जो मुझे आगे कहना था सो वी कैन गो क्विकली इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से प्री कोलोनियल टाइम में हम कोलोनियल टाइम को छोड़ रहे हैं मेडिवल टाइम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इस्लाम इंडिया में कैसे कैसे आया थोड़ी सी हिस्ट्री भी इसमें है सबसे पहले जो है एक अरब जो है मोहम्मद बिन कासिम जो कि खलीफा उस समय में थे उमायद उनके समझ लीजिए सेनापति जैसे थे उन्होंने सिंध और मुल्तान पे जो है कब्जा किया सिंध पे उन्होंने विजय प्राप्त की 712 में तो बहुत जल्द ही 80-90 साल के अंदर ही इस्लाम बनने के बाद पॉलिटिकल इस्लाम इंडिया में आ गया लेकिन क्या हुआ उनको बहुत ज्यादा राजपूतों से जो है रेजिस्टेंस मिला और वो वहीं पे सिमट के रह गए आगे वो सिंध और मुल्तान से बढ़े नहीं मोहम्मद बिन कासिम ने जो स्टैब्लिश किया था राज तो अगले 300 सालों तक साढ़े तीन सालों तक कोई मतलब नहीं रहा पोलिटिकल इस्लाम का इंडिया में लेकिन ये सब बदल जाता है जब महमूद और गजनी जो है एक टर्किस स्लेव मुस्लिम थे मामुल कहते थे स्लेव यहाँ मत समझिए कोई स्लेव है वो एक अलग तरीके से इलीट स्लेव कह सकते हैं वो टर्किस मुस्लिम रूरल थे और जो कि उन्होंने गजनबी में एक बहुत ही खूबसूरत राजधानी उन्होंने बसाया था और उन्होंने इंडिया पे जो है रेड किया सत्रह बार से ज्यादा एक हजार से एक हजार पच्चीस के बीच में सोमनाथ टेम्पल को उन्होंने लगभग ध्वस्त कर दिया यहां से काफी सामान वो काफी पैसे रुपये धन लूट करके ले गए और उसको उन्होंने अपनी गजनवी जो एम्पायर था उसको ब्यूटीफुल बनाने में लगाया तो वो जो है एक सेकेंड वेव था जो पॉलिटिकल इस्लाम का महमूद अब गजनी के थ्रू लेकिन उन्होंने यहां पे कोई राज्य नहीं बनाया आ, केवल थोड़ा सा पंजाब और कश्मीर में उन्होंने जो है अपनी राज राज को बनाए रखा देन उसके करीब 100 साल से भी ज्यादा के बाद समझ लीजिए डेढ़ सौ साल बाद से भी ज्यादा मोहम्मद घुरी आते हैं जो कि अगेन एक टर्क सुल्तान थे घोर अफगानिस्तान में उनकी जो है वहां से आते थे और उन्होंने गजनवी जो महमूद गज, महमूद की जो सुल्तान सल्तनत थी

तो ये जो एक सिचुएशन आई ये एक पॉलिटिकल चैलेंज था जिसको मैंने पिछले साइड में बहुत डिटेल में आपको बताया बाबर जो है वो एक अब जो है नेक्स्ट क्या आता है ये 300 साल तक जो है लगभग 1206 से 1526 तक 300 सौ सवा तीन सौ साल तक जो है दिल्ली सल्तनत चलता है उसके बाद वो खत्म हो जाता है बाबर अगेन एक मंगोल वॉरियर था यहाँ पे अब मिक्स हो गया है बाबर का फादर साइड से वो तैमूर लैंड से आते थे और मदर साइड से चंगेज खां के वंश से तो तुर्किस मंगोल इनका जो ट्राइब था वो अफगानिस्तान से आए थे फरजना से और उन्होंने जो है इब्राहिम लोदी को पानीपत के फेमस फर्स्ट वॉर में हरा करके 1526 में उन्होंने मुगल शासन की स्थापना की जो लगभग अगले दो ढाई साल तक चलता रहा तो यहाँ पे अब देखिए अब पहले क्या पहले जो है अरब आते हैं फिर जो है टर्क आते हैं जो कि पहले एक्चुअली शासन की स्थापना करते हैं फिर मंगोल टर्क्स आ जाते हैं बाबर के फॉर्म में मुगल के फॉर्म में एंड देन उसके बाद जो है मुस्लिम किंग सुल्तान रूल इंडिया फॉर मोर देन 600 हंड्रेड ईयर ये एक फैक्ट है ऑफ कोर्स इनका जो है 1707 में इफेक्टिव खत्म हो गया था लेकिन इसको अठारह संतावन तक मान सकते हैं तो आप यदि आप ये देखें तो 1206 से लेकर के अठारह संतावन मोर देन 600 हंड्रेड ईयर्स तक इन्होंने इंडिया पे शासन किया तो नेचुरली इट लेफ्ट एन इनडेलेबल मार्क ऑन द सोशियो कल्चरल वेल्यू ऑफ द कंट्री तो होना ही था ना जब आपका शासक 600 साल तक जो हमारा 2000 साल का यदि लिखित इतिहास है उसमें से वन थर्ड uh, आप समझ लीजिए यदि आप मुस्लिम रूल में रहे हैं और uh, साथ साथ आप जो हैं 600-700 साल रहते हैं दो कल्चर तो आपस में सिंक्रेटिज्म सिंथेसिस एमलगमेशन मिक्सचर होना ही है पॉलिटिकली इट रिजल्टेड इन कमिंग ऑफ

जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अरबिक मुस्लिम जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के विजय जो सिंध में और मुल्तान में हुई उसके थ्रू आए तो वो अरब मुस्लिम थे हम हम इंडियंस को खास करके बहुत समझने में दिक्कत होती है मुस्लिम सभी एक लगते हैं लेकिन आप यहाँ पे थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए मुस्लिम जो है एक्चुअली मोहम्मद जो थे वो अरबियन थे पैगंबर जो उन्होंने स्थापना किया था लेकिन बाद में जैसा मैंने आपको बताया कि टर्क मंगोल्स ईरानियन और तुरानीज एंड अफगानीज बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया तो अलग अलग जो हैं वो ट्राइब्स के लोग जो मुस्लिम थे अपने कल्चर को लेकर के इंडिया में मुस्लिम धर्म के नाम पे आए तो सबसे पहले अरबिक मुस्लिम आए फिर तुर्की आते हैं टर्किस सुन्नी इस्लाम आया जो दिल्ली सुल्तान थे जो कि जिसको आप कह सकते हैं मेन स्टेट ऑफ पोलिटिकल इस्लाम इन इंडिया एक से आप देखें तो वो टर्किस सुन्नी इस्लाम है जो सबसे ज्यादा यहाँ छाया फिर उसके बाद टर्किस मंगोल आए इसमें मतलब मुगल जिसको हम बोलते हैं वो मिक्स थे मुगल एंड टर्किस वो भी सुन्नी इस्लाम थे वो मंगोल ट्रेडिशन लेके आया जैसा चंगेजीज लीगल कोड लेके बाबर आया था तूरा ये चंगेजी कहते थे देन शिया मुस्लिम जो है जो एक अलग धड़ा है सिया सुनी जो थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी डिफरेंट रीजन से डिफरेंट टाइम में आए खास करके ईरान से और अदर पार्ट से वो एक तरह से भाग करके आए थे परसिक्यूशन से बचने के लिए अफगानी ईरानियन तुरानियन जो तुरानी जिसको सेंट्रल एशिया में जिसको टर्किस्तान आप कह सकते हैं या ट्रांस ऑक्सीनिया के जो नोबल uh, क्लास थे तुरानी ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइम में इंडिया में आए अधिकतर जो है शासक के साथ में वो आते थे नोबल्स के फॉर्म में देन स्ट्रैंड जो है है वो बहुत बड़ा है। कोई भी मुस्लिम शासन हो इंडिया में वो जो शासनिद जो पदशाह जो बादशाह का जो कॉन्सेप्ट था प्री इस्लामिक ईरानियन बादशाह इसको पदशाह कहते हैं उससे वो इतना इन्फ्लुएंस रहे आपको ये ये समझना चाहिए कि सुन्नी रूल होते हुए भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज था दिल्ली सल्तनत का भी और मुगल का भी वो टर्स तुर्की नहीं होकर तर्क, नहीं होकर के वो पर्सियन था पर्सियन लैंग्वेज को अपनाया गया पर्सियन कल्चर इतना इंपॉर्टेंट रहा मुगल के टाइम में भी इंडिया को एक तरह का जो है वो डोमिनियन माना जाता था साफाविद एम्पायर जो ईरान का था तो ईरान के इस्लामिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है जो टर्क मुगल किंग्स इंडिया के रहे हैं उन्होंने अपना लिया इस्लाम को तो ये सब मिलकर के डिफरेंट स्ट्रैंड बनाते हैं मुस्लिम का इंडिया में जो डिफरेंट टाइम में आए अब जो है शिया सुन्नी पे थोड़ा एक दो लाइन केवल जान लीजिए शिया जो है एक माइनॉरिटी सेक्ट है इस्लाम में करीब दस से पंद्रह परसेंट केवल सिया है बाकी तो एट्टी फाइव परसेंट के आसपास है वो लोग बिलीव करते हैं कि जो अली, जो जो अली नवासा थे मोहम्मद के वो है उनके राइटफुल सक्सेसर हैं जिनको करबला के मैदान में उनको और उनके बच्चों को मार दिया गया था तो वो जो हैं, वो जो खलीफा बाद में वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते उनकी अलग अपनी परंपरा है लेकिन दोनों के जो मेजर जो पिलर्स हैं जो पांच इस्लाम के माने जाते हैं कि आप अल्लाह में बिलीव करेंगे हज करेंगे आप उपवास रखेंगे रोजा रखेंगे दान देंगे ज करेंगे ये सारी चीजें जो है वो पांच जो है वो पांच बार नमाज पढ़ेंगे ये कॉमन ये तो है दोनों में। लेकिन और बहुत सारे ट्रेंड अलग हैं शिया और सुन्नी इसके और सुन्नी जैसा मैंने आपको बताया वो इंडिया में भी मेजोरिटी में है लगभग पचहत्तर सुन्नी पॉपुलेशन है और पच्चीस परसेंट केवल शिया है ईरान जो है एक शिया कंट्री है ये आपको याद रखना चाहिए सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी का चैंपियन है सूफीज जो है एक अलग स्ट्रेंड है इस्लाम में आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में पता होगा एक मोमेस्टिक जो है एक मतलब की जिसको आप कह सकते हैं कि उसमें काफी सारी जो चीजें हैं वो मेस्टिसिजम से जो जुड़ी हुई हैं जो छद्म छुपा हुआ छद्म वर्ड गलत है जो कि एक तरह का दिखता नहीं है और वो इंटरनलाइज करते हैं इंटीरियर रिलीजन होता है अपने में ही वो जो है डिवोशनल सॉन्ग गा करके नाम जपना करके जिक्र जिसको बोलते हैं एक्सटेसी एकदम झूमने लगते हैं और प्यार मोहम्मद सब मोहब्बत सबको गले लगाना सब में इक्वलिटी धर्म से थोड़ा ऊपर उठ जाना ये सब जो फीचर जो है सूफी का रहा है इसके चलते जो है वो बहुत पॉपुलर हुए वैसे ये बात फैक्ट है कि सूफी एक सॉफ्ट इस्लाम का एक फेस इंडिया में लेके आ रहा और बहुत ज्यादा जो कन्वर्सन इंडिया में हुआ दिल्ली सल्तनत और मुगल में वो सूफी के द्वारा हुआ ना कि तलवार के बल पे तो प्यार से हुआ इसमें भी दो जो है स्ट्रैंड है एक बाशरिया है जिसमें कि जो बाशरिया मतलब जो शरिया को मानने वाले हैं बेशरिया जो कि शरिया जो इस्लामिक होली लॉ है उसको नहीं मानने वाले हैं उसको कलंदर्स बोलते हैं और बाशरिया में जो है चिश्ती आते हैं सुरावादी आते हैं कादरी आते हैं नक्सबंदी आते हैं ये सब ऑर्डर्स हैं चिश्ती ऑर्डर या सिलसिला कह सकते हैं तो चिश्ती सिलसिला सौराबादी सिलसिला एंड ऑल देन अदर स्ट्रीम्स जो है जैसे खोजा हैं मोपलाज हैं और बहुत सारे और हैं असम एंड बंगाल में जो कि मिक्स ट्रेडिशन कल्चर को अपनाते हैं मतलब आपको दोनों देख के लगा कि कभी वो हिंदू कल्चर अपना रहे हैं कभी हिंदू हिंदू ट्रेडिशन और मुस्लिम ट्रेडिशन दोनों एक सेंक्रेटिक टाइप ऑफ जो है वो कल्चर में जीते हैं कुछ बहुत सारे स्ट्रीम मुस्लिम के यहाँ देन इनकी जो जुडिशियल ट्रेडिशन है जिसपे की ये जस्टिस डिस्पेंस करते हैं उसके भी अलग अलग स्ट्रैंड है सुन्नी में हनाफी है हनाबली है सफाई है एंड मालिक है इंडिया में हनाफी ट्रेडिशन से जो है वो काजी न्याय करते आए हैं और शिया की अलग अपनी ट्रेडिशन है जाफरी जैदी यहाँ पे हम डिटेल में कुछ नहीं करें केवल आपको ये समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा ये डाइवर्स जो है, वो स्ट्रैंड इस्लामिक ट्रेडिशन के इंडिया में एक इस्लाम कहना गलत है आपको समझना चाहिए कि बहुत सारे अलग अलग इस्लाम के ट्रेडिशंस इंडिया में अलग अलग टाइम में आए और आज जिसको हम मुस्लिम इंडिया बोलते हैं उसमें ये सारे स्ट्रैंड जो है दिखते हैं अलग अलग रूप में अब अगले चार स्लाइड में हम क्विकली ऑफ़ कोर्स समझने की कोशिश करेंगे कि जो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट जो मेडिबल इंडिया में जो आई उसके उसका क्या बैकग्राउंड था और इंडिया में वो कैसे जो है वो दिखती है मतलब मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट ये एक तरह का क्रैक्स है इस वीडियो का ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि द वे पॉलिटिक्स प्लेड आउट इन सेंट्रल इस्लामिक लैंड सेवरल इश्यूज डेल्ट इन बाय द पॉलिटिकल ऑफ टाइम मैंने आपको कहा कि ये जो तीनों रियल का मिला हुआ रूप से जो इस्लाम शुरू हुआ कम्युनिटी स्पिरिचुअलिटी एंड पॉलिटिक्स और उसके चलते जब ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड में ये गए डिफरेंट कल्चर के लोग इनके प्रजा बने और खास करके इंडिया में जहां नॉन मुस्लिम मेजोरिटी प्रजा बन गए तब उनको जो चैलेंज हुआ उसको ही डील करने के लिए इसके पॉलिटिकल फिलोसफर सामने आते हैं वो इशू क्या था सबसे बड़ा इशू तो मैंने आपको बताया खलीफा वर्सेस सुल्तान कैसे रिकंसाइल करें एक टेम्पोरल सोवरेन सुल्तान और एक स्पिरिचुअल सोवरेन खलीफा के बीच में देन रिलीजन वर्सेस पॉलिटिक्स को कैसे करें जो रियल पॉलिटिक्स की चैलेंज अलग है और आपको कहा जा रहा है कि ट्रू फेथ के आप जो हैं सुल्तान हो आपका ड्यूटी है कि आप ट्रू फेल्थ को फैलाओ तलवार के बल पे हो चाहे जैसे भी हो और शरिया को हर वॉक ऑफ लाइफ में इंप्लीमेंट करो कैसे करोगे अरबिया भर से ईस्टर्न लैंड ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है एक तरफ जो है वो अरेबियन लैंड जहाँ से निकला इस्लाम उसके बगल में इराक है सीरिया है वहां पे पहले जो है वो डायनेस्टी जो थी वो जो खलीफत वहां पे बनती है बाद में जो वो सुल्तान जो है वो खिसक करके ईरान ट्रांसनिया में एंड ऑल जो है वो चले आते हैं चाहे वो गजनवी हो चाहे गोरी हो चाहे इवन बाबर हो सब स्टैंड ला, इस्टर्न लैंड में करते हैं उन दोनों के विषय में बहुत टसल होती है सिया सुन्नी के विषय में भी होती है हाउ टू डील विथ नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट ये तो मैंने आपको बताया है कि इंडिया इस लैंड में सबसे बड़ा चैलेंज आ गया कि आप यदि मुस्लिम रूरल हो और आप एक धार्मिक मतलब रूल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो कैसे आप नॉन मुस्लिम प्रजा को पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन लोगे कैसे उनका कॉन्सेंट लोगे कैसे शासन करोगे कैसे सोशल हार्मनी मेंटेन करोगे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया आइडियल सुल्तान क्या है ये इसी से उभर करके आता है कि कौन है आइडियल सुल्तान और उसकी ड्यूटी क्या है और स्टेट क्राफ्ट कैसे चलाना है इन चैलेंजेस के बीच में ये सब इशूज थे लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज था जो मैंने आपको बार बार कहा वो है कि डिमांड्स ऑफ शरिया एंड क्लासिकल इस्लाम इस्लामिक हेरिटेज वर्सेस डिमांड्स ऑफ रियल पॉलिटिक टू मेंटेन द स्टेट जो मतलब मैकियावेली का भी ये चैलेंज था अर्थशास्त्र में जो है वो कॉटिल के चैलेंज है और ये जिया बरानी के लिए चैलेंज है अबुल फजल के लिए चैलेंज है सभी के लिए सभी जो पॉलिटिकल थिंकर होते हैं इनके चैलेंज है कि एक तरफ आपको जो है अपने स्टेट को बचाए रखना है उसको मेंटेन करना है उसको बढ़ाना है उसमें आपको बहुत सारे ऐसे कार्य कर, करने पड़ते हैं जो ए रिलीजियस होते हैं ए मॉरल होते हैं ए इथिकल होते हैं लेकिन करने पड़ते हैं और एक तरफ आपको कहा जा रहा है कि आप तो ट्रू फेथ को फैलाने के लिए सुल्तान बने हो आपको शरिया लागू करना इन दोनों में जो टसल है उसको कैसे रिजोल्व करें ये मेजर चैलेंज था अब यहां पे कुछ जो है मैं आपको बताना चाहता हूं जो इंडिया के बाहर जो पॉलिटिकल थिंकिंग जिससे कि इंडिया की मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट इफेक्ट इफेक्टेड हुई उसमें सबसे बड़ा नाम आता है सियासत नामा लिखा था निजाम अल मुल्क तुसी ने ये खुद एक तरह के विस्मार्क जैसे आप समझ सकते हैं उस तरह के प्रतापी वजीर थे सलजुग सुल्तान के इनफैक्ट यही राज करते थे निजाम इलेवेंग सलजुग सुल्तान जो है खुरासान में वो बहुत बड़ा उनका शासन होता था तो उसके ये वजीर थे उनके अनुसार से सियासतनामा में उन्होंने कहा कि आइडियल सुल्तान सुल्तान वैसा होना चाहिए जो कि एंसियंट साद ईरानियन किंग जो है एबसुल्यूट पदसाह उस जैसा दिखना चाहिए आप देखिए कितना इफेक्ट रहा क्यों ऐसा रहा क्योंकि सलजुग सुल्तान ईरान से शासन करते थे तो एंसियंट ईरान इवन मुस्लिम के आने इस्लाम के आने के पहले का जो राजा का जो वहां पदशाह जिसको बोलते थे उसको वो आइडियल जो है मुस्लिम सुल्तान का होना चाहिए निजामुल मुल्क के अनुसार से खलीफा को वो मानते थे कि लिटिल मोर देन ए पेंशन होल्डर है मतलब सुल्तान उसको पेंशन पे रखे हुए इस टाइप का जैसे मुगल को पेंशन पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा था वैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको अपहोल्ड करना है अपहोल्ड द रिलीजियन ट्रू फेथ एंड कीपिंग अलाइव द ट्रू फेथ यही जो है सबसे बड़ा सुल्तान का रोल है यहाँ पे देखिए कैसे वो थियोक्रेसी को जो है स्टेट क्राफ्ट में घुसा रहे हैं और चैलेंज और बढ़ जाती है इनमीज ऑफ इस्लाम्स आर इनमीज ऑफ स्टेट जो इनमी है इस्लाम का वो इस जो है वो स्टेट का भी इनमी है जैसे कि जो बनिया बैकालामसना चाहिए पॉलिटिकल थिंकर जिक्र कर रहा हूँ इस सीरीज में जो इस चैलेंज को कैसे वो टैकल करते हैं वो जो है हसन अल मवाडी है उन्होंने लिखा था अल अखम अल सुल्तानिया जो अरबिक में लिखा गया था यहां आप देखिए वो एकदम अलग है उनका जो आइडियल है वो खिलाफत है अब वो ईरानियन सासानिद जो पदशाह है वो नहीं है तो यहां पे एक टसल देखिए एक पॉलिटिकल थॉट जो है वो अरब लैंड में जो खिलाफत है या खलीफा का इंस्टीट्यूशन है उसके तर्ज पे राजा को देखती है और दूसरा जो है वो एंसियंट ईरानियन जो बादशाह है उसके तर्ज पे सुल्तान को देखती है तो उनका आइडियल खिलाफत था क्लासिकल अरेबियन इस्लामिक ट्रेडिशन में बिलीव करते थे उनके अनुसार से किंग का ड्यूटी जो है डिफेंड करना है शरिया को यहां दोनों मिल जाते हैं डिस्पेंस करना है जस्टिस को अकॉर्डिंग टू शरिया एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जिहाद करना है मतलब ट्रू फेथ को फैलाने के लिए होली वॉर भी कर सकता है किंग करना चाहिए क्लेवरली बट ही क्लेवरली इंटीग्रेटेड डिमांड्स ऑफ शरिया And heritage of classical Islamic past, while subtly manipulating prevailing opinion. यहाँ पे इनको भी problem आई कि आप public opinion को कैसे साथ लेके चलोगे तो integrate करने की कोशिश की, की इस तरह से दोनों को integrate कर सकते हैं यहाँ पे दुनियादारी और जहानदारी दोनों को integrate करने की कोशिश की गई So this was about Mawardi. अब हम तीसरा जो लेते हैं मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर जो इस सीरीज में अपनी डायलॉग और अपनी पॉलिटिकल एक्शंस को अपनी किताबों के थ्रू लिखते हैं वो है अल गजाली गजाली जो है वो ट्वेल्व सेंचुरी में थे ये भी सलजुग सलजुग सुल्तान संजर बिन मलिक शाह के समय में थे एक पॉलिटिकल फिलोसोफर उन्होंने लिखा था नसीहत अल मुल्क नसीहत मतलब क्या हिदायत या एडवाइस कह लीजिए तो उसी तरह से कि ने लिखा प्रिंस या अर्थशास्त्र लिखा कौटिल ने या फतवाई जहांदारी लिखा जिया बरानी ने उसी तर्ज पर यह नसीहत अल मुल्क उन्होंने लिखा कि एक सुल्तान को कैसा बिहेव करना चाहिए सो उनके अनुसार से कंस्टिट्यूशनल ऑथोरिटी बिलोंग टू द किंग

परफॉर्म प्रैक्टिकल ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस अब यहां सेकुलरिज्म दिखने, दिखने लगता है आपको आप प्रैक्टिकल लॉ बनेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस ऑल्सो इंफ्लुएंस बाई सूफी नॉर्म्स ऑफ इथिक्स और यह तो होना ही था क्योंकि सूफी नॉर्म्स ऑफ इथिक्स जो है धर्म से ऊपर उठ जाते हैं ही वॉज द पाइनियर ऑफ द थॉट ऑफ सेकुलर ड्यूटी जैसा मैंने आपको बताया एक्शंस ऑफ किंग एज पर पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी मतलब पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट जैसा पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट हो वैसा एक्शन किंग को लेना चाहिए रियल पॉलिटिक सेपरेट फ्रॉम मेंटेनिंग यहां पे स्पेलिंग गलत है मेंटेनिंग रिलीजियस ऑर्डर रिलीजियस ऑर्डर मेंटेन करने से हट के जो रियल पॉलिटिक है वो किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ही दिस वे ही ट्राई टू सेपरेट द टू रियल दो जो रियल है दो जो व्हील है रिलीजन और पॉलिटिक्स इसको सेपरेट करने की कोशिश थी उसी तरह से जैसे पॉलिटिकल थॉट में भी डंडा और धर्मा को सेपरेट करने की लगभग कोशिश की गई वैसे सफलता से नहीं असफल कोशिश और, और बुद्धिज्म में तो काफी दूर तक सेपरेट किया गया इस टू व्हील को अना और धमा के नाम पे टू व्हील थ्योरी तो ये मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में भी धर्म और दंड या अना और धमा को सेपरेट करने की कोशिश थी एक गजाली के द्वारा देन फाइनली मैं जो है एक एक जो पॉलिटिकल थिंकर काफी इंपॉर्टेंट हैं जो अखलाक ट्रेडिशन में लिख, लिखते हैं उनका नाम था ख्वाजा नसीर उल दीन तुसी ये भी सेकेंड तुसी हैं लेकिन वो निज़ामुल उल तुसी वाले नहीं हैं ये थर्टीन सेंचुरी ईरान में थे और ही डिड नॉट यूज शरिया इन स्ट्रिक्ट जुडिशियल ज्यूरिडिकल सेंस यहाँ ये यह बहुत लिबरल थे जस्ट लाइक अबुल फजल ये शरिया का ही इन्होंने इंटरप्रिटेशन अलग कर दिया इनके अनुसार से इनका कहना था कि एक सिंगल गॉड है जिसने की हर कम्युनिटी के लिए अलग अलग प्रॉफिट भेजे हैं रसूल भेजा है और उनका अपना शरिया जो है जो उनके अपने कल्चर टाइम ट्रेडिशन से सूट करता है वो उनका शरिया है अब देखिए कैसे इन्होंने शरिया को इंटरप्रेट कर दिया कि सबका शरिया अलग अलग है और सब सोशल हारमनी में रह सकते हैं और उनके अनुसार से जस्टिस इन द आइडियल स्टेट इज डिफाइंड एज सोशल हार्मनी सोशल हार्मनी जस्टिस है अबुल फजल आप पढ़ेंगे और मैंने बताया भी तो उसके वो वही से लिया गया है सोशल हार्मनी है एंड द कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ द कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स ट मे कंप्राइज पीपुल ऑफ वैरियस रिलीजन ये किंग का सबसे बड़ा काम है और यही जस्टिस है कि कैसे प्लूरिज्म करें कैसे डिफरेंट जो कम्युनिटीज एंड डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशन के साथ जिंदा रही है उनको कैसे आपस में सामंजस के साथ में रखें यह जस्टिस है तो अखलाक ट्रेडिसन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन लिबरल इस्लामिक पॉलिटिकल थिंकिंग में जिसको बाद में अकबर और अबुल फजल ने आगे बढ़ाया लेकिन जो मैंने अदर बताया निजाम मुल्क हो या अलगजली तो थोड़ा मॉडरेट है लेकिन मवाड़ी इन सब को जिया बरानी के थॉट में आप देखेंगे जो हम लोग थोड़ा आगे और देखेंगे सो दिस इज द मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट इन मेडिवल इंडिया सेकेंड स्लाइड अब यदि हम थर्ड uh, स्लाइड में देखें कि मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स इन मेडिवल इंडिया जो है वो अब हम दो जो है एकदम डिफरेंट स्ट्रैंड को ले रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर रहे मेडिवल मुस्लिम इंडिया में या मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स में वो हैं जिया उल बरानी जियाउद्दीन बरानी जिन्होंने फतवाई जहानदारी लिखा और अबुल फजल जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा

शरिया को हर वॉक ऑफ लाइफ में इंप्लीमेंट करना है दूसरी तरफ आपको जो है नॉन मुस्लिम को शासन करना है जो 95, 98 परसेंट जो है नॉन मुस्लिम है बेसिकली हिंदू है उनका कल्चर उनका रिलीजन अलग है तो क्या करें अब यहाँ जया बरानी की देखिए कि क्या जो है एडवाइस आता है इन्होंने फतवाई जहांदारी भी एक तरह का नसीहत नामा था मतलब ये हिदायत था एक सुल्तान को कि उनको कैसे जो है इंडिया जैसे हिंदू लैंड पे शासन करना चाहिए ये तेरह में लगभग लिखा गया था कोई डेट इस पे नहीं है फोर्टीन सेंचुरी आप समझ सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आप कह सकते हैं जिसे है फिरोज तुगलक का यहाँ पे शासन था तो

मतलब शरिया में ही नॉन इस्लामिक ट्रेडिशन को इंक्लूड कर लो दूसरा गजाली का था कि शरिया को ही ऐसा इंटरप्रेट करो कि वो जो है अकोमोडेट कर ले नॉन मुस्लिम ट्रेडिशन को ये इससे हट करके इन्होंने कहा कि जो भी शरिया से हट के है वो सब नॉन इस्लामिक है सीधा जो है उसको खत्म कर दो तो इनका बहुत सिंपल सा था कि जो जो भी ट्रेडिशंस लॉ शरिया नहीं है वो सही नहीं है जस्टिफाइड नहीं है उसको हमको नहीं मानना चाहिए शरिया को हर वॉक ऑफ लाइफ में लाना चाहिए तो इतने कंजर्वेटिव और रिजिट थे तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बात जो है मानने वाला तो सुल्तान था नहीं बट ही अलाउड ऑल नॉन इस्लामिक एक्ट ऑफ सुल्तान एज सि बट नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द स्टेट अब यहां पे वो क्या करते हैं एक वो अकोमेडेशन देते हैं एक सुल्तान को वो कहते हैं कि तुम्हारा अधिकतर एक्ट जो है वो नॉन इस्लामिक है और वो पाप है जैसे तुम जो इस पॉम्पसनेस से रहते हो मुकुट पहनते हो सिंहासन पे बैठते हो महल में रहते हो ये तो इस्लामिक है ही नहीं वहां तो राजा और फकीर में कोई फर्क नहीं है गरीब और Uh, अमीर में कोई फर्क नहीं है यूनिवर्सल ब्रदरहुड है तो तुम ये सब जो कर रहे हो, जो किसी को करवा देते हो, तुम किसी हो इसलिए जो है इस्लाम की रक्षा करो पुण्य करो तभी तुम डे ऑफ जजमेंट में तुम जो है बच पाओगे सो दिस वॉज बेसिकली सपोर्टेड डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप इन्होंने सपोर्ट किया जो कि एंशियंट ईरानियन साद स्टेट में भी था उसको भी मतलब तो गॉडली किंग किंग जो है वो छाया है शैडो है भगवान का वो किंग का प्रतिरूप है इस टाइप का उनका भी था लेकिन जो शासनिक स्टेट का जो हिरार्किकली कंसीव्ड एरिस्टोक्रेटिक नॉन इस्लामिक जो कॉन्सेप्शन था स्टेट मॉडल का जहां नोबल का डिफरेंट क्लास है पीपल का डिफरेंट क्लास है अमीर है गरीब है हिरार की है, उसको उसमें वो इजी नहीं पाते थे उनके अनुसार से वो सब नॉन इस्लामिक था तो यहाँ पे देखिए वो किस तरह से जो है वो दोनों को मिक्स करते हैं या खुद कंट्राडिक्शन में घिर जाते हैं उनका सबसे बड़ा देन जो था वो जवाबिट था जवाबिट जो है वो क्या था प्रैक्टिकल स्टेट लॉ था सरिया से हट के उन्होंने कहा कि राज का चलाने के लिए जैसे हिंदू मेथोलॉजी हिंदू पॉलिटिकल थॉट में है राज शासन तो उसी तरह से ये आया कि आपको सरिया से हट के जवाबिट जो है आप ला सकते हैं प्रैक्टिकल स्टेट लॉ लेकिन वो सरिया को काटना नहीं चाहिए तो यहां पे वो कोशिश करते हैं जो दो रियल में है रिलिजन स्टेट को उसको सेपरेट करने के थ्रू जवाबित दीनदारी और दुनियादारी को दीनदारी और दुनियादारी को सेपरेट करने की एक कोशिश थी जवाबिट जो कि प्रैक्टिकल स्टेट लॉ था सरिया से हट करके लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो बहुत कंजर्वेटिव थे एक तरह का फैनाटिसिज्म था उसमें लो बोर्ड मतलब वो कहते थे कि जो छोटी जाति में छोटे वंश में जन्म लेते हैं वो तो उतने वर्चुअस होते नहीं हैं हिंदू इलिट्स ब्राह्मण और इन सब के प्रति बहुत उनमें घृणा था फिलोसफर्स रैशनलिस्ट साइंटिस्ट को वो बोलते थे बिल्कुल ये लोग स्टेट के दुश्मन हैं तो इसके चलते जो है उनको ना तो उस समय की नोबिलिटी ने स्वीकारा और सुल्तान तो उनकी बात पे चलने से रहे क्योंकि वो चलते तो फिर उनका राजकाज ही खतरे में पड़ जाता सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जिया बरानीज का थॉट का समरी ये था अब हम देखेंगे एक और ये सेकेंड और लास्ट जो है वो पॉलिटिकल थिंकर मेडिवल इस्लाम में है वो है अबुल फजल जो कि एकदम अलग हैं जिया बरानी से एक एंड पे वो कंजर्वेटिव एक फैनाटिसिज्म टाइप के दिखते हैं जो कि सरिया को लागू करना है और इस्लाम का परचम फैलाना सुल्तान का ड्यूटी है तो अबुल फजल जो आईने अकबरी और अकबरनामा में एक ट्रूली एक सिंथ्रेटिक और एक लिबरल फेस इस्लाम का लेके आते हैं इतना लिबरल जो कि

ड फॉर सोशल ऑर्डर एज बेसिस ऑफ सोवरिटी और सोवरिटी आपको इसलिए मिली है कि सोशल ऑर्डर आप मेंटेन कर सके उसी के लिए आपको पीस एंड ट्रेंकुलिटी और सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको टैक्स देते हैं लेकिन उन्होंने फिर मिक्स भी किया डिवाइन ऑथोरिटी ऑफ द किंगशिप थ्रू हिज थियोरी ऑफ डिवाइन लाइट वो उन्होंने जो है सोहरा वादी से लिया था सुफिजम से इनका कहना था कि किंग को जो है डिवाइन लाइट प्राप्त होती है फरी आजादी कहते हैं वो लाइट जो है डिवाइन होती है डायरेक्ट होती है उसमें किसी का इंटरवेंशन नहीं होती और और फिर उस लाइट को जब किंग रिफ्लेक्ट करता है तो उस बाकी सारे जो लोग हैं उसके राज्य में उससे वो लाइट मिलता है इसलिए किंग एक तरह का डिवाइन है उसका जो हृदय है वो गॉड लाइट से प्रकाशित है तो इस तरह से उन्होंने गॉडली भी दोनों को मिक्स कर दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड डिविनिटी थ्योरी को थ्रू हिज आइडिया ऑफ सुल अकुल जो कि मैंने एक सेपरेट में वीडियो में बताया है सुल अकुल की जो पॉलिसी थी इसका मतलब यह होता था कि सभी धर्म के लोग सभी संप्रदाय के लोग सभी कल्चर के लोग एक साथ सौहाद से रहे और राजा यह देखेगा कि कोई किसी को दबाए नहीं है सुल अकुल की पॉलिसी थी ही लिबरेटेड द टेम्पोरल सॉवरेन फ्रॉम एनी पर्टिकुलर फेथ उन्होंने जो किंग था मुगल उसको किसी भी रिलीजन से ऊपर कर दिया तो तो ये जो है रिलीजियस लॉ डिक्टेट और थियोलॉजियन इन सब से जो टेंपोरल सॉफरिनिटी था वो इंडिपेंडेंट हो गया अनलाइक बर्नी ही सपोर्टेड फिलोसफर साइंटिस्ट रैशनलिस्ट एंड हेटेड द डॉगमेटिक थियोलॉजि को उलमा कहते हैं तो एकदम अलग था वो वो जो है फिलोसफर साइंटिस्ट रेसनोलिजो को घृणा करते थे ये उसको बढ़ावा देने की बात करते थे वो उलमा को सपोर्ट करते थे ये उलमा से लड़ाई करते थे ही लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको समझना चाहिए यहाँ पे मैं केवल एक लाइन बोल रहा हूँ पूरा वीडियो अबुल फजल पे आप देख सकते हैं वॉट अबुल फजल ट्राई टू डिड एंड अकबर ऑल्सो फॉलो दैट और अकबर ने कहा और अबुल फजल ने इसको एक तरह से आर्टिकुलेट किया यहाँ पे राजा में जो है स्पिरिचुअल सॉवरिनिटी भी घुसा दिया गया मतलब कि राजा जो है वो टेम्पोरल और स्पिरिचुअल सोवरेंटी एक ही व्यक्ति में निहित होगी वो राजा हो गया मुगल किंग हो गया सो स्टेट बिकेम द हाइएस्ट मोरल एंड स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन और किंग बिकेम इट्स स्पिरिचुअल गाइड तो ऐसा बन गया कि किंग जो है वो स्पिरिचुअल लीडर भी है टेम्पोरल रीडर भी है तो एक तरह से फिर से जो दो रिल है स्पिरिचुअलिटी और इस पॉलिटिक्स का वो मर्ज हो गया लेकिन ये मर्जर बहुत अलग है जो कि मोहब्बत पैगंबर के टाइम में और आगे हुआ मुस्लिम में यहां पे जो वो स्पिरिचुअल और टेम्पोरल जो सोवरेन है वो धर्म से अलग है वो किसी भी सेक्ट रिलीजन से अलग है वो सुपर सेकुलर है सो सुपर सेक्युलरिटी

गॉड है या डिवाइन लाइट रखता है वहां भी कहा जाता था हिंदू पॉलिटिकल थॉट में कि जो राजा का सबसे बड़ा जो ड्यूटी है वो है धर्म को अपहोल्ड करना अपना भी धर्म राज धर्म और जो वर्ण आश्रम आश्रम धर्म है उसको सोशल ऑर्डर मेंटेन करना धर्म के अनुसार यही राजा का सबसे बड़ा ड्यूटी है और यहां भी यही कहा जा रहा है कि जो धर्म है जो फेथ है उसको मेंटेन करना और जो धार्मिक लॉ है शरिया उसको हर वॉक ऑफ लाइफ में इंप्लीमेंट करना यही राजा का सबसे बड़ा जो है वो ड्यूटी है तो दोनों कोई अलग नहीं है

सैकड़ों वर्ष लग गए और अकबर ने एक नया टाइप का जो है वो सिंक्रिटिजम दिया लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया सो दिस इज ऑल अबाउट द मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट इन मेडिवियल इंडिया अब हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड में इसको कंक्लूड करेंगे सिंक्रेटिज्म के साथ में जो आपके सिलेबस का सेकेंड पोर्शन है कि कैसे हिंदू और मुस्लिम सिंक्रेटिक कल्चर इंडिया में उभर के आता है इस पॉलिटिकल इस्लाम के आने के बाद सिंक्रेटिज्म क्या है ये मैंने जो है कबीर वाले स्लाइड वीडियो में भी इसको समझाया है सिंक्रेटिज्म का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन या एमलगमेशन या मिक्सचर या सिंथेसिस को समन्वय कहते हैं ऑफ डिफरेंट रिलीजियन कल्चर और स्कूल ऑफ थॉट जब ये सब मिल करके एक जब ऐसा समन्वित रूप आता है मिक्स रूप आता है एमलगम में मतलब आपने दो जूस को मिला दिया जैसे संतरा और आपने आम को मिला दे या आप अनार और संतरे को मिला दे उस टाइप का समझिए कि कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस जब होता है तो उसको सिंक्रेटिक बोलते हैं सिंक्रेटिक मतलब की समन्वित या सिंथेसाइज तो कंपोजिट कल्चर विच इवॉल्व व्हेन पीपल ऑफ मल्टीपल रिलीजन लैंग्वेज कल्चर लीव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम जैसे कि ये 600, 700 साल जब मुस्लिम और हिंदू एक साथ रहे नॉन मुस्लिम रहे तो उनसे जो तहजीब निकल के या जो कल्चर निकल के आते हैं उसको गंगा जमनी तहजीब भी कह सकते हैं आप हिंदू मुस्लिम तो वो, वो उसको सेंक्रिटिज्म कहते हैं इट एज्यूम सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग मुस्लिम एंड क्रिश्चियन रूल इन इंडिया ऐसा इसलिए हुआ कि पहले तो हिंदू हैं तो हिंदू राज कर रहे हैं इवन बुद्धिस्ट के जमाने में बुद्धिज्म को नहीं माना जाता था, था बहुत डिफरेंट अशोका को हम नहीं मानते कि वो कोई नॉन हिंदू रूरल था ऐसा नहीं माना मानते हैं यहाँ के लोग तो लेकिन जब पहली बार जब मुस्लिम और क्रिश्चियन रूर आया तब ये प्रॉब्लम आई डाकुटमी आई कि रूरल जो है एक धर्म का है

कबीर निकल के आते हैं गुरु नानक निकलते हैं रामानंदा निकलता है नामदेव सब उसी ट्रेडिशन के के पार्ट बन आते हैं हैं जो कि एक दूसरे को मिलाने का काम करते इन कंटेम्प्रेरी इंडिया हैज इवन बिगर मीनिंग आज के समय में सिंक्रेटिज्म उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है यूनिटी इन डायवर्सिटी जो हम कहते हैं वो सिंक्रेटिज्म का ही एक थीम है विच इज मस्ट टू परपेचुएट द आइडिया ऑफ इंडिया जो हम इंडिया है उसको यदि हमको बनाए रखना है तो सिंकटिज्म को अपनाना ही पड़ेगा सो दिस इज अबाउट सिंक्रटिज्म अब यदि हम देखें कि syncretism जो है वो कैसे इंडिया में सिंथेसिस हुआ है हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशंस का सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या फैक्टर्स या कॉजेज रहे होंगे ये इवॉल्व जो किया सिंक्रेटिक इंडो इस्लामिक कल्चर इंडिया में पहला जो फैक्टर आप सोच सकते हैं पॉलिटिकल हो सकता है ये देखिए मैंने आपको इस पूरे वीडियो में ये बताया है कि पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी एक तरह का मजबूरी था दोनों के लिए जो शासक हैं और जो शासित हैं जो रूरल हैं और जो रूल्ड हैं जो किंग है और जो सब्जेक्ट हैं जो, है जो, है, जो, है जो, है, जो राजा है और प्रजा दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट था रूरल के लिए इंपॉर्टेंट था कि सोशल हार्मनी मस्ट बी मेंटेन मस्ट बी मेंटेन टू मेंटेन द स्टेट रिलीजियस टॉलरेंस एंड सिंक्रेटिज्म हेल्प मेंटेन सोशल हार्मोनी तो उनके लिए था जैसे अकबर भाई सबको मिला के रखोगे तभी तुम्हारा राज्य बचा रहेगा तो उनके लिए जो है वो सेंक्रिटिज्म एक तरह का जरूरत थी अपने राज्य को बचाए रखने के लिए जो शासक थे उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था क्योंकि यदि आप कल्चर या रिलीजन जो शासक का है उसको अपना लोगे तो बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे आपको कुछ नौकरी मिल जाएगी राजकाज में आपको जो है परसिक्यूशन से बच जाओगे यदि आप बहुत निम्न जाति के हो तो जो आपको अपर हिंदू जाति सताते हैं उससे बच जाओगे समाज में थोड़ी आपकी इज्जत बढ़ जाएगी तो इन सब के चलते जो शासित क्लास है वो अपने इलीट का जो धर्म होता है कल्चर होता है उसको अपना लेते हैं मजबूरी में तो ये ये भी जो है एक कारण रहा इसके चलते सिंक्रिटिज्म पॉलिटिकल रीजन के चलते उभरी देन दूसरा कारण जो मुझे लगता है वो है कि दो कल्चर जब साथ रहते हैं बरसों सैकड़ों सालों तक मोर देन तेरह साल तक सात सौ बारह में जो है

बचने के लिए और जैसा मैंने बताया कि इलिट क्लास के अपनाने के चलते उनको कुछ छोटे मोटे जो फायदे होते हैं वो भी हो जाती से लेकर के इज्जत बचने तक हिंदू मुस्लिम मैरिजेज समझिए तेरह सौ साल में कितना ऐसा हुआ होगा आज भी होता है तो उस समय भी हुआ उसके चलते एक मिक्स जो है पॉपुलेशन आता है जिसको कि दोनों ही कल्चर का एलिजेंस रहता है माता पिता अलग अलग कल्चर रिलीजन से आते हैं देन भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन जो मैंने आपको बताया ये तो सिंक्रिटिज्म में बहुत बड़ा फैक्टर रहा ये दोनों आपको पता है कि एक तरह से रिफॉर्मिस्ट थे और इंक्लूसिव थे मतलब कि एक्सक्लूसिव नहीं थे ये सबको गले लगाते थे कोई धर्म का कोई संप्रदाय का वो भक्ति और सूफी ट्रेडिशन में शामिल हो सकता था और उन्होंने रिजेक्ट किया रिचुअलिज्म रिजिडनेस एक्सटर्नल प्रिटेंशन जो आडम्बर ढोंग और जो पंपसनेस जो होता है मेन स्ट्रीम हिंदुइज इस्लाम उन दोनों को उन्होंने नकार दिया दे प्रमोटेड लोकल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में भजन गाते थे और जो सूफी जो जो भक्ति गीत होते हैं लोकल कल्चर को उन्होंने अपनाया लोकल ड्रेस को अपनाया लोकल खान पान को अपनाया प्रैक्टिस को अपनाया इसके चलते सिंक्रिटिज्म बढ़ी प्रेजेंटेड लिबरल एंड इंक्लूसिव फेस ऑफ इस्लाम ये मैंने आपको बताया है जो तलवार के बल पे जो हार्ड इस्लाम था उसने जितना कन्वर्ट नहीं किया हिंदूज या नॉन मुस्लिम को मुस्लिम उससे ज्यादा सूफिज्म ने किया प्यार से टू वीच द सब्जेक्ट ऑफ मुस्लिम रूल कुड रिलेटी तो के ही अधिकतर जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम प्रजाते उन्होंने मुस्लिम को अपनाया एक तरह से एंड दे अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम बोथ द रिलीजन जो मैंने आपको बताया और नानक और कबीर और दादू दयाल इन सब के सबसे बड़े प्रोपोनेंट या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं इस ट्रेडिशंस के अब हम बहुत तेजी से देखने की कोशिश करेंगे कि सेनक्रटिज्म जो हिंदू मुस्लिम है वो किस तरह से मैनिफेस्ट होती है मतलब विजिबल हुई डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में यदि हम स्पिरिचुअल डोमेन में देखें तो, तो मोनोएथिज्म एंड फॉर्मुलि फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड मतलब जो निराकार जो गॉड का जो कंसेप्शन है और एक सुप्रीम गॉड उसको जो है इन्फ्लुएंस ये हिंदू धर्म में भी हुआ जो भक्ति फिलॉसफी थी अद्वैतवाद जो शंकराचार्य की और बाद में जो विशिष्ट अद्वैतवाद आया जो सुप्रीम गॉड की कंसेप्शन हिंदुइज्म आई वो कहीं ना कहीं इससे जो है प्रभावित हुई भक्ति सूफी मूवमेंट जो है जिसमें लव कंपैशन पीटी एक्सट्रीम डिवोशन टू वन सुप्रीम गॉड इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ भक्त विद गॉड ये सब जो है देव कॉमन इन बोथ भक्ति एंड सूफी फिलॉसफी ये सब कॉमन था जो गुरु नानक कबीर दादू दयाल जो है इसके एग्जाम्पल है हिंदू जो है वो विजिट करते हैं मजार जो पीर और सूफी सेंस के होते हैं भजन जो है लोकल लैंग्वेज में सूफीज गाते हैं वहां पे जो जिक्र होता है इसको नाम जपना आप कह सकते हैं उसमें हरि का भी नाम लिया जाता है सूफी भजन में देन हिरॉर्किकल डिविजन सोसाइटी का जो हुआ वो बिल्कुल हिंदू का इन्फ्लुएंस था सोशल रियल में मुस्लिम में वहां पर भी रैंक स्टेटस जो है वो घुस गए जैसे कि चार फोल्ड फोर फोल्ड डिविजन सोसाइटी का अबुल फजल ने किया उसी तरह से कि इंडिया में जो होती है ब्राह्मण क्षत्रिय वैसूद्र के तर्ज पे इसी तरह से अशरफ वर्सेज

यदि हम देखें कि और लैंग्वेज में देखें तो उर्दू जो है वो एक सिंथेसिस है पर्सियन और हिंदी का आप जानते हैं एक सिंक्रेटिक लैंग्वेज है आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर पे तो पूरी वीडियो बनाई जा सकती है एक डिस्टिंक्ट इंडो इस्लामिक पैटर्न जिसमें आर्क डोम मीनार और बड़े हॉल जो लेकिन वॉल पे जो मोटिफ है देन बांग्ला रूफ जो चालाज हैं और स्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिक ये सब लास्ट वाले जो हैं ये हिंदुइज्म के हैं और पहले वाले जो हैं वो इस्लाम दोनों मिलके बनते हैं डांस फॉर्म में यदि आप देखें तो कथक जो है वो बोथ हिंदू और मुस्लिम घराना जिसमें इसमें काफी मुस्लिम के गजल्स इसमें शामिल हो गए और उर्दू गजल्स भी इसमें गाए जाते हैं और जो इसमें इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी जो है वो मुस्लिम काफी है पेंटिंग्स में यदि आप देखें तो मुगल पेंटिंग जो है वो उसने बहुत इफेक्ट किया और राजपूत और मुगल पर्सियन पेंटिंग जो है वो एक सिमकेटिक पेंटिंग बन के आती है जो मिनी चेयर पोर्ट्रेट और मुरल पेंटिंग में दिखती है म्यूजिक में यदि आप देखें तो ख्याल जो है वो पर्सियन म्यूजिक से इंफ्लुएंस्ड है कव्वालिज भी जो है वो इस्लाम से और सुफिजम से आया है और जो नए इंस्ट्रूमेंट इंडिया में बजने लगे तबला वो एक मुस्लिम मॉडिफिकेशन जो है वो हिंदू म्यूजिकल मृदंग का जो है वो मुस्लिम मॉडिफिकेशन तबला में बदल गया और सितार जो है वो सिंथेसिस था बीना

हिंदू मुस्लिम इंडो इस्लामिक एक डिस्टिंक्ट संकृतिक कल्चर इंडिया में सो डियर स्टूडेंट जस्ट टू सम अप दिस लॉन्ग डिस्कशन इस्लाम केम इन इंडिया सिंस इन सेवन हंड्रेड ट्वेल्व इन मेनी स्ट्रैंड ट्रेडिशन हम लोगों ने देखा कैसे सबसे पहले अरेबियन इस्लाम आता है फिर टर्किक इस्लाम आते हैं खास करके उस समय तो तुर्की ही जो है हम इस्लाम को समझते थे जब दिल्ली सुल्तान आए देन टर्क मंगोल्स आए मुगल के फॉर्म में परसियन आए अफगानीज आए तुरानीज आए उज्बेक आए सूफीज आए शिया सुन्नी सारे स्ट्रैंड जो है अलग अलग डेवलप हुए सिंस ट्वेल्व हंड्रेड सिक्स पॉलिटिकल इस्लाम बिकेम द रूलिंग डिस्पेंसेशन ये रूरल बने 1206 से इंडिया में फॉर विच द मेजर चैलेंज वॉज टू कंबाइन द रियल पॉलिटिक विध डिमांड्स ऑफ शरिया एंड क्लासिकल इस्लामिक ट्रेडिशन कैसे इन दो को एक तरफ आपको शरिया का डिमांड है कि ऑल वॉक ऑफ लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और क्लासिक इस्लामिक ट्रेडिशन को बचाए रखना है या बढ़ावा देना है और दूसरी तरफ जो आपका रियल पॉलिटिक है कि नॉन मुस्लिम को कैसे आप शासन करें इन डिमांड्स के साथ में डिस्पाइट कंजर्वेटिव अप्रोच बाय मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स

लॉ के बेसिस पे जस्टिस डिस्पेंस किया सोशल हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश की और पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट जो हुआ वही किया ना कि शरिया और जो इस्लाम के जो रिजिड रूल्स थे उसके अनुसार वो नहीं चल पाए सच अप्रोच एंड लॉन्ग इंटरेक्शन गेव ए सिंथ्रेटिक इंडो इस्लामिक कल्चर भक्तिजम ने काफी किया, हम ने देखा आर्ट एंड कलर पेंटिंग अकबर इन पोलिटिकल रियल एंड नानक एंड कबीर इन स्पिरिचुअल डोमेन रिप्रेजेंट सच सिंक्रेटिक ट्रेडिशन सो दिस इज ऑल अबाउट इस्लामिक ट्रेडिशन एंड सिंक्रेटिजम इन मेडिवियल इंडिया ये कुछ ऑनलाइन रेफरेंसेज हैं जिसको मैंने लिया है वैसे मैंने बहुत इस पर ज्यादा पढ़ने की कोशिश की है कि आपको पूरा एक थ्री सिक्स डिग्री व्यू दे सकूं कुछ को मैंने केवल यहाँ इनमेट किया है और थैंक्स फॉर वॉचिंग यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू बी सेफ बाय